अभी जो भी डॉग मतलब जो मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो जैसे ही मुझे देख रहे हैं, मैं इनकी हालत देखने आया हूँ कि इनका क्या हाल है। आज इस बार देखो ये भी भाग रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है पिछली बार से भी। और ये जहाँ बेचारे छुप रहे हैं वहीं कोई ना कोई फोड़ दे घोड़ा, वो घूम रहा है बाहर, इन्हीं को देखने आया हूँ। घोड़ा भी मुझे देख लेगा, वो भी इधर से उधर भाग रहा है। इसे तीसरी बार देखा, ये भागते तो नहीं है, खुशी जा रही है घोड़े पर अटैक करने। वो रहा घोड़ा, खुशी जानती है उसे, मगर ये अभी कहीं से भी कोई भी डॉग आ रहा है। जिस जिसको देखो, कॉकरोच भी भाग रहा है। जिस जिसको मैं मिल रहा हूँ वो मेरे पास आके बैठ जा रहा है। घबराए तो नहीं है, घोड़ा भी टेंशन में नहीं है, मगर ये हो रहा है कि आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही हैं और इस बार बहुत ज़्यादा है पिछले साल से भी। सब के सब घोड़ा रोड पार करने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। अब यही होगा, ये पूरी रात ऐसे ही करेंगे, मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, चारों तरफ यही हो रहा है। मैं अभी तक कितने नहीं, 11 के करीब नए डॉग्स को देख चुका हूँ। घोड़ा रोड पार करके भाग गया उस साइड, टेम्पू उसके पीछे गया है। अब वहाँ पे आवाज़ नहीं होगी, वहाँ पे कोई फोड़ेगा नहीं गाड़ियों के पीछे, तो वो अपना दिमाग लड़ा रहा है इधर। छोटू की फटी अभी, बहुत तेज़ आवाज़ थी। तो जो भी मुझे जानते हैं मेरे पास आके बैठ रहे हैं एक एक करके। मेरे कान के भी पर्दे इन्हीं के बराबर हैं, मेरे से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें झेली नहीं जाती। खुशी को आवाज़ चुभती है तो अपना सिर हिलाती है ज़ोर से कानों को, जैसे उसे मतलब थप्पड़ सा लगता हो या फील होता हो कुछ। खुशी खुशी आ जाओ आ जाओ। उनका कैमरा कब घूम गया, वीडियो बना अबे खड़े क्यों हो गए सारे। बैठ जा छोटू, बैठ जा, बैठो छोटू, बैठ बैठ, हाथी के बच्चे बैठ बैठ। अभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, दिमाग का कुछ कह नहीं सकते, डरा हुआ है, गर्म भी है। ये ढीला ढाला सा पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये यहाँ का नंबर भी बढ़ा रहा है और मेरे पैक की जो फीमेल्स हैं उनके पीछे पीछे जाके परेशान कर रहा है उन्हें। सबका ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो सबका ऑपरेशन हो गया है। तो भाई दिवाली में जिस जिसको मैं मिलता जा रहा हूँ, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो मैं डेली, छोटू नहीं भाई लड़ाई मत करना, इसे मैं यहाँ से 250-300 meters के करीब इसे खिलाता हूँ डेली। यार यहाँ तक आ गया ये, देखो ये यहाँ से क्या बताऊँ कहाँ रहता है ये। अगर रोड से दिखाना हो तो पता नहीं पता भी चलेगा या नहीं, वो जो दूर अगर फ़ोन में दिखाई दे रही हो रेड लाइट, ग्रीन लाइट रेड लाइट जो जल रही है, वहाँ से भी राइट लेके 100-150 meters अंदर रहता है वो नया वाला। कहाँ गया छोटू, क्या किया, क्या किया उसके साथ, पीछे हो हाथी पीछे हो। ये रहा, अरे यार ये तो उनके घर में रहता है, जहाँ पे खिलाता हूँ वहीं पे किसी का घर है ढाबे जैसा, उनकी बिल्डिंग में रहता है, यहाँ कैसे उसे छोड़ के आने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा दूर है, गाड़ी के नीचे जा रहा है, ये भी सही है। आ जा आओ हटो, आ जा आ, घर छोड़ के आओ तुझे, फोन अंदर डालना पड़ेगा। शोर बहुत भटक रहे हैं, कहाँ गया ये फिर से, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। खुशी रोड पे नहीं, चल 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 ला पक ले आओ।
अब ये देखो दुनिया क्या कर, ये पार कर ली इसने। जानता तो है ये एरिया, खोया भटका हुआ नहीं है, वो भाग गया उस साइड में जहाँ घोड़ा गया, घोड़ा भी उसी साइड गया, वहाँ पे हम पटाखे नहीं फूट रहे हैं, ये लाइव रिपोर्टिंग जैसा लग रहा है। आ जाओ हट 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 हट, कांच की बोतल। चलो लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो रोड पार करके वहाँ चला गया। अनजान कोई जानवर दिख जाता है ऐसे माहौल में तो जानता हूँ कुछ नहीं कर सकता, मगर कोई जान पहचान का मिल जाए, वो भी दूर का कहीं का, तो फिर वही है, थोड़ा जान पहचान की सैडनेस आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा बेचारे के साथ। इसे इतना जानता हूँ कि खोया बट खोएगा नहीं। छोटू के कान भी हल्के फुल्के हिल रहे हैं, ये अभी उतना खौफ में नहीं है मगर फिर भी डर में है। बस ये है कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो इस वजह से इसको, छोटू को मैंने नहीं देखा इतना घबराते हुए कभी, और खुशी को भी सोते हुए देखा है मैंने कई दिवाली, खुशी को भी मैं कितने 5 साल से जानता हूँ, ये टेंशन में इतनी नहीं रहती, इस बार बहुत ज़्यादा है। देखो वो रही जिगली, वो वहाँ छोटी वो रही जिगली, लगता है खुशी उसको जानती है। खुशी ओए मैं मार दूंगा, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, हट हट। ये हरामखोर को देखो, इसमें चैन नहीं है। जो खुशी की जिंदगी की सच्चाई है वही जगली की जिंदगी की सच्चाई है, दोनों के दोनों बौने हैं। हो सकता है अपने माँ के बच्चों में सबसे कमजोर और छोटे भाई। ओए खुशी लड़ाई नहीं होगी यहाँ, जिगले अंदर जा। यहाँ पे मैं डेली लाइव बिग बॉस देखता हूँ, अगर सही में एक टीवी की तरह देखोगे ना इनको भी तो दिखने लगेंगे, क्योंकि छुटकी कह रहा हूँ जिगली छोटू को जानती है। अरे ये तेज था, जिगली छोटू को जानती है तो उसके दम पे यहाँ आ सकती है, उसका फ़ायदा उठा के छोटू का, क्योंकि खुशी उस पर निशाना लगा रही है। खुशी लड़ने में डरती नहीं है ज़्यादा, जिगली क्यों आ रही है इस साइड, और छुटकी की भी हालत थोड़ी गड़बड़ है, पता नहीं वो बच्चे। ओए खुशी 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 अब जिगली आ जाओ, पिटेगी और क्या होगा, इधर आ। ओए खुशी मैं तेरे बोला ना